विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर आप सभी को ढेरों बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए आपको बाबा साहब की जीवनी से जुड़ी ऐसी रोचक बातें बताएंगे जो इससे पहले आप शायद ही जानते होंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार विनय एम तिवारी अपने लेख में लिखते हैं कि हम में से हर एक अपने हिस्से की उम्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देकर इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए इस काल्पनिक प्रश्न का कोई अर्थ नहीं कि आज चाणक्य होते तो क्या होता, महात्मा गांधी होते तो क्या कर रहे होते, और अगर भीमराव अंबेडकर होते तो उनका आज के इस दौर में क्या नजरिया होता। 1857 से 1947 के बीच 90 साल भारत की नीति के बेहद महत्वपूर्ण साल हैं। करीब 10,000 साल के ज्ञात इतिहास और सनातन संस्कृति वाले इस देश ने अपनी यात्रा में अनगिनत उतार चढ़ाव देखे, कई तूफान झेले। गुलामी के लंबे 1,000 साल भी उसकी नीति में आए और उसकी पूर्ण आहुति इन्हीं 90 साल में हुई। इन 90 सालों में भारत की कोख ने अनगिनत सपूत पैदा किए, लेकिन आज हम अभी सिर्फ अंबेडकर की बात करते हैं। विनय एम तिवारी के मुताबिक आज अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई भी व्यक्ति उस दौर और उस समाज की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें भीमराव ने अपनी आंखें खोली होंगी। तब हमारी सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था और छुआछूत का कैंसर बुरी तरह फैला हुआ था। अछूत माने गए समुदायों में पैदा होने वाले किसी भी बच्चे का कोई भविष्य नहीं था। उसे वही करना था जो तय था। ब्रिटिश राज में कुछ चीजें बदली और भीमराव के पिता को अंग्रेजों की सेवा में सूबेदार की हैसियत मिल गई। बहुत मुमकिन है कि इससे उन्हें सामाजिक रूप से अछूत होने के दंश से बहुत मुक्ति नहीं मिली होगी। तब कोई आरक्षण नहीं था, जातिगत आधार पर पढ़ने लिखने या नौकरियों में कोई रियायत नहीं थी। छुआछूत की जड़ें बाहर से ज्यादा दिमागों में भी गहरी थीं। वो भूमिहीन थे, आजीविका के लिए दोयम दर्जे के काम और ऊंची जाति के रहमोकरम पर निर्भर थे। विनय अपने लेख में लिखते हैं कि उस समाज की कल्पना मात्र से मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। वो हम सब का एक शर्मनाक सच है। एक ऐसे भेदभाव भरे अंधकारमय भविष्य वाले समाज में भीमराव जन्म लेते हैं। जब बंगाल में नवाबों की सड़ी गली रियासतें खत्म हुई और अंग्रेजों ने कदम रखे तो 1000 साल के दमन के बाद बंगालियों ने पहली बार साफ हवा में सांस लेने का एहसास किया। उन्होंने खुले मन से नई भाषा को अपनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरियों में गए, उनके स्कूल कॉलेजों में पढ़े। तब मुस्लिमों ने फरंगियों से दूरी बनाए रखी। उनके लिए शर्म की बात थी कि वे अंग्रेजी सीखें और उनकी नौकरियां कबूल करें जिन्होंने उनके तख्ते पलट दिए थे। महू में पैदा होने के बाद भीमराव का परिवार बंबई चला गया, जहां उन्होंने अंग्रेजों के बनाए स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई की। वो बड़ौदा स्टेट की स्कॉलरशिप पर अमेरिका गए। भीमराव का शानदार शैक्षणिक रिकॉर्ड आज आरक्षण के नाम पर सिर पर आसमान उठाने वाले उन अनुयायियों के जरूर देखना चाहिए। अच्छे अच्छे ऊंची जात वालों के सिर शर्म से झुक जाएं। ऐसी योग्यता है भीमराव की। वे घोर अंधेरे गर्त से उगे सूरज थे। उनके उदय में किसी आरक्षण का टेका नहीं था। प्रखर प्रतिभा के दम पर बड़ौदा स्टेट ने उन्हें मदद का पात्र समझा होगा। सिर्फ दलित समुदाय के तो और भी लाखों युवा रहे होंगे। प्रतिभा के आधार पर हम उन्हें अपवाद मान लेते हैं। आजादी के बाद संविधान के निर्माण के समय यह स्वाभाविक था कि वे करोड़ों दलितों के लिए अलग से कुछ करें। भारत की नई व्यवस्था में नेहरू समेत ज्यादातर लोग ऊंची जातियों के थे, मगर आरक्षण को सबने उस समय जरूरत के समान ही माना। रिजर्व सीटों से नेतृत्व चुनकर आया और लाखों युवाओं ने सरकारी नौकरियों में बराबरी से कदम रखे। 50 के दशक में पहली बार आरक्षण का फायदा लेने वालों की अगली और सक्षम पीढ़ी ने 70 के दशक में नौकरियां हासिल की। नई शताब्दी तक उनकी तीसरी ताकतवर पीढ़ी इसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ी। इस बीच इस होड़ में कई और जातियों ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी। बाबा साहेब की जीवनी पर लिखे अपने इस खास लेख में विनय एम तिवारी ने लिखा है कि अब
बाबा साहेब हमारे बीच नहीं रहे, मगर आज भी अचानक आकर देख पाए तो हम उनकी आत्मा को बेहद कष्ट में ही पाएंगे। वे माता ठोक लेंगे कि इस देश में चल क्या रहा है। वे जितने नेताओं से क्रुद्ध होंगे उतना ही गुस्सा उन्हें अपनी कौम पर भी आएगा। हमारी समस्या ये है कि हम इशारे में उठाई गई उंगलियों को पकड़कर भव्य स्मारक खड़े करने वाले जड़ बुद्धि और अंधविश्वासी लोगों में से एक हैं। आरक्षण तो कुछ वक्त के लिए दिया गया एक मददगार संकेत था, सदियों के सताए हुए लोगों को आगे ले जाने का दूरदृष्टिवान बाबा साहेब की उंगलियों का इशारा। हम उसी मुद्रा में उनकी मूर्तियां चौराहों पर खड़ी करके आरक्षण को ही धर्म बनाकर बैठ गए। अब वह अलग ताकतवर डेरा है जिनके अपने राम रहीम हैं। धर्म के विरुद्ध कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। खबरदार, जो कोई कुछ बोला हम आग लगा देंगे। परम पूजनीय बाबा साहेब, हमें बिल्कुल क्षमा मत करना। हम बखूबी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो लेख था जो एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी वीडियो में, अपने लेख में लिखा है आज की स्थिति के लिए। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो और इस तरह की मज़ेदार वीडियो को हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।